हलका लाडवा चमकन लाग्या, हलका लाडवा चमकन लाग्या। जन जन इबनू कह रहा से पवन सैनी विधायक मारा, खूब विकास करा रहा से, खूब विकास करा रहा से। लाडवा विधानसभा का गांव जोगी माजरा एक ऐसा गांव जहां लाखों की ग्रांट से इतने विकास कार्य हुए कि गांव की तस्वीर ही बदल गई। जहां पहले गांव का नाम सुनते ही ख्याल आता था धूल मिट्टी कीचड़ से सनी सड़कों व गलियों का, लेकिन आज ऐसा कुछ है ही नहीं। अंदाजा ही नहीं होता कि शहरों से निकलकर कब गांव की सीमा भी शुरू हो गई। आज गांव की सभी गलियां पक्की हो चुकी हैं। सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। ग्रामीणों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए व्यायामशाला का निर्माण, शमशान घाट में शेड, बरामदा और रास्ता पक्का किया गया। गांव के सरपंच और गांव की जनता का क्या कहना है गांव के विकास कार्यों को लेकर, आइए जानते हैं। हाँ जी, गांव जोगी माजरा में डॉक्टर पवन सैनी ने विकास के लिए बहुत पैसा दिया है, क्योंकि जो डॉक्टर साहब हैं ये भाई की तरह रहते हैं। कभी भी इन्होंने किसी से गिला शिकवा नहीं किया किसी प्रकार का, बहुत प्यार से रहते हैं। हम जितने भी ब्लॉक के सरपंच हैं सबके साथ भाई वाला रिश्ता है इसका, बहुत प्यार से मान लो रहना है इसका। हमारे गांव में विकास के लिए बहुत पैसा दिया डॉक्टर साहब ने। विकास में सबसे पहले सर्वसहमति के 31 लाख रुपये हमारे पास डॉक्टर पवन सैनी ने दिलवाए, और उसके बाद इन्होंने जी जो पैसा था मान लो 31 लाख के बाद, वो दिलवाने के बाद गांव में जो पाइपलाइन थी नई पाइपलाइन डलवा के, नई पाइपलाइन डलवा के गलियां का निर्माण करवाया। कहो भाई बढ़िया बढ़िया सा ठेकेदार लगा के अपना काम कराओ, किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है, कुछ नहीं है। कभी भी आधी रात चले जाओ डॉक्टर साहब के पास, बहुत प्यार से उठते हैं, काम के लिए खड़े हो जाते हैं। हमारे गाँव में सामुदायिक केंद्र बनने लग रहा है जिसकी 17 लाख रुपए की ग्रांट है, और एक पंचायती गोहर है जो गुग्गा मेडी से लेकर ये अपना पावर हाउस तक जाता है जिसकी 11-12 लाख रुपए की लगभग ग्रांट है। 45 लाख रुपए की व्यायामशाला है हमारे यहाँ, और 14-15 लाख रुपए ये अपना महात्मा गांधी बस्ती की जो गलियाँ हैं वहाँ पे पानी खड़ा रहता था, नीची थी गलियाँ, उनके लिए दिया है। और उनमें पाइपलाइन का पहले प्रावधान दिया है कि पहले पाइपलाइन दबवाओ आप, कम से कम है वहाँ पे 8-10 लाख रुपए की तो पाइपलाइन ही दबेगी। जो नए पाइप आए हैं अब वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, और वो बहुत महंगे हैं। सारा होने के बाद वहाँ पे गलियाँ बनेंगी। और शमशान घाट में बरामदा बनवाया है, शमशान घाट में शेड बनवाया है, और जी नीचे से पक्का करवाया है। मतलब पैसे की कमी नहीं छोड़ी डॉक्टर साहब ने, जब भी हम पैसे के लिए गए हैं बहुत पैसा दिया। हमारे गांव में लगभग 1,20,00,000 रुपए आ चुके हैं, और लगभग शमशान घाट का रास्ता और एक मंदिर के पास पंचायती जगह पड़ी है जिसमें 8-10 लाख रुपए का एक बरामदा बनेगा। इसके लगभग 25 लाख रुपए डॉक्टर साहब ने हमें और देने का वादा किया है, जो कि 1.5 करोड़ रुपए के करीब हो जाएगा। 1.5 करोड़ का विकास के कार्यों के लिए डॉक्टर साहब ने हमें बहुत पैसा दिया। बहुत ही अच्छे MLA हैं, और जब से BJP सरकार आई है और हमारे डॉक्टर साहब MLA बने हैं तब से खास तौर पर हमारे गांव में बहुत काम हुए हैं। जैसे व्यायामशाला के लिए ग्रांट आई है, गांव की गलियां बहुत कच्ची थी, यहां पे बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हुआ रहता था। तो पीछे भी सरकारें थी और पिछले सरपंच जो थे किसी ने भी गांव की तरफ ध्यान नहीं दिया था। तो ग्रांट आने से फिर सरपंच साहब ने काम लगाया, और ग्रांट आने पर शमशान घाट में काम हुआ। शमशान घाट की ग्रांट आई, व्यायामशाला की आई, सामुदायिक केंद्र की आई। पहले विधायकों से MLA में फर्क है, पहले MLA से MLA का बहुत जमीन आसमान का फर्क है। पहले विधायक ने तो ना के बराबर काम किया, और कुछ भी गांव के विकास में कुछ भी उनकी भागीदारी नहीं थी। लेकिन जो जब से हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर पवन सैनी जी विधायक बने हैं और BJP सरकार आई है, तब से चारों तरफ मतलब गाँव में तो खुशहाली है। और बहुत ज़्यादा गंदगी थी गाँव में, गलियाँ बिल्कुल कच्ची थी, मतलब बहुत विकास हुआ है गांव। हमारे गांव में हमारी पंचायत बनने से पहले को हमारे कोई गली पक्की नहीं थी, लाइटें नहीं थी, कुछ नहीं थी। जब से हमारी पंचायत बनी है या BJP सरकार सत्ता में आई है उसके बाद हमारी गलियां पक्की, 24 घंटे लाइट, स्ट्रीट लाइट वगैरह,
कैमरे वगैरह लग चुके हैं, 1.45 लाख की ग्रांट आई है अभी व्यायामशाला की, हमारे गांव में बनने जा रही है। विकास कार्य चाहे जितने भी हुए लेकिन उसका नतीजा तो तब सामने आएगा जब नंबरों का पता चलेगा। तो देखते हैं जनता का मीटर कितने नंबर दे रहा है लाडवा विधायक डॉक्टर पवन सैनी को। हम तो डॉक्टर साहब को 10+ ही नंबर देंगे। 10 में से अगर मैं 9 कहूँ तो 9 परफेक्ट होगा उनके लिए। डॉक्टर पवन सैनी जी को 10 में 10 अंक देंगे हम। तो ये था सफर गांव जोगी माजरा का। एक बात तो साफ हो गई, यदि कोई नेक नीति से अपना कार्य करे तो केवल तारीफ ही नहीं बल्कि दिल में जगह बन जाती है, और ये साबित किया डॉक्टर पवन सैनी ने। कैमरामैन संजीव के साथ नेहा शर्मा की रिपोर्ट।